बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को HGS दही रूटीन में खुश आमदीद। आज हम लोग बना रहे हैं आलू के पराठे, जो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। इसके लिए मेरे पास आधा किलो उबले हुए आलू हैं और एक अदद प्याज कटा हुआ, ये हम लोग शामिल कर लेंगे। और इसमें हम लोग मेथी डालेंगे, तकरीबन एक पाव मेथी थी, इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें भी काट के मैंने रख ली हैं। और अब इसमें शामिल करेंगे आटा, आटा की ज़रूरत जितनी आपको ज़रूरत हो, तकरीबन 8 से 10 रोटियां बनानी है मैंने, तो आटा डाल लिया इसमें। और अब इसमें शामिल करेंगे नमक और मिर्चें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आलू के पराठे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और आटा डालने के बाद अब इसमें डालेंगे हम लोग लाल मिर्चें, तकरीबन 1.5 चम्मच लाल मिर्चों का है, और हसबे ज़रूरत नमक। और हाथों की मदद से इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर आटा गूंद लेते हैं। तो ये आटा हमारा तैयार हो गया है, इसे एक साइड पर रख लेते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम लोग लेंगे अंडे, इनमें हसबे ज़रूरत नमक और मिर्ची शामिल कर लेंगे और अच्छी तरह से इन्हें फेंट कर एक साइड पर रख लेते हैं। और अब बनाते हैं रोटियां। तो रोटियां बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर दें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो रोटियां बनाना स्टार्ट कर ली हैं मैंने। इस तरह से पहले एक पेड़े को फैलाकर उस पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे और फिर उसके ऊपर दूसरा पेड़ा रख कर रोटी को बड़ा कर लेंगे। बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है क्योंकि रात का टाइम है, काफ़ी देर से बच्चे रोटी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से रोटियां बना लेती हूँ मैं। वीडियो किमें लगी है तो आखूँ अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करे। सो तो सबकू लगी है बहुत ज़्यादा भुख, असा खाने आलू के पराठे, तो गिने इजाजत। इंशाल्लाह अगली वीडियो दोबारा मिल सूँ, तब तक कि अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है तो दुआ।